हाय गाइस, मैं जा रही हूँ मुंशीगंज, जहाँ पे मेरी बहन पढ़ती थी उसके हॉस्टल। क्या हो बिट्टी? नहीं, घर पे नहीं, वो तो घर पे ही है ना, अभी एक दो घंटे ही लगेंगे ज़्यादा टाइम। वी आर इंटर्न इन हर रूम। बहुत ही दयनीय स्थिति बना दी है हम लोगों ने इस कमरे की, क्योंकि रूम खाली करना था। सामान खाली करते करते गाइज मिल गया है चूहे का बच्चा। जैसे ही हमने ये गंदा सा गत्ता उठाया और उसके नीचे ये सारे चूहे के बच्चे आ गए, जो कि भी पैदा हुए हैं थोड़े टाइम पहले। और एक का बेचारे का पैर टूट गया क्योंकि ये दब गया। तो खुशी फर्स्ट टाइम आई है जो दीदी के हॉस्टल, उसको मैं घुमा रही हूँ। और इसका हॉस्टल है कहाँ पे? संजय गांधी अस्पताल के सामने। लुक एट हियर गाइस, हम आ गए हैं एकदम टॉप फ्लोर पे। वैसे यहाँ से मेरी भी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हैं, क्योंकि पहले मैं यहाँ पे आके बहुत टाइम तक रुक रुक के रहती थी, और अब नहीं रहती क्योंकि मैं अपने हॉस्टल में रहती हूँ। पहले जब मैं सुल्तानपुर में रहती थी तो मैं यहाँ बहुत आती थी, अच्छा लगता था काफ़ी ज़्यादा। आज इसका लास्ट डे इन हर हॉस्टल। यहाँ की मैंने एक बार वीडियो बनाया था पूरा व्लॉग, तो बहुत लोग पूछते थे हॉस्टल कहाँ पे है, क्या नाम है, कैसे। तो सिंह मेडिकल स्टोर था पहले, तो मैं लोकेशन रिवील नहीं करना चाहती थी, बट अब हम छोड़ के जा रहे हैं तो आई कैन शेयर। और सिंह मेडिकल स्टोर के ऊपर का ही ये सारा पोर्शन है, एकदम एग्जैक्ट संजय गांधी हॉस्टल के सामने। अगर आप गर्ल्स हैं, आपको रहना है, तो यू कैन कम हियर एंड क्वेरी करके आप रह सकते हो। बहुत ही सेफ और अच्छी जगह है फॉर गर्ल्स। अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए मैंने एक अच्छी सी सलाह दे दी है उनके डेस्टिनेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं अलग जगह पे और उनके पास कोई गाइडेंस नहीं होती है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि उन्हें पता चल सके पहले से कि उन्हें कहाँ रहना है, कैसे रहना है, कुछ भी। जैसे कि मैं जब लखनऊ गई थी तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था जहाँ से मैं पता कर सकूँ, तो मैं जो चीज़ फेस कर चुकी हूँ वो चीज़ आई कैन अंडरस्टैंड। दिस इज हर इम्प्टी रूम गाइस, चूहा दब गया मेरे पैर से। निकल चुके हैं फाइनली, तुम्हारे बैग में है। अब हम जा रहे हैं जूही दीदी के कॉलेज। आते समय जगह ही जगह थी पूरी गाड़ी में, और पूरी जगह भर चुकी है पूरा सामान से, और हम लोग कैसे बैठे हैं आई विल शो यू। यहाँ पे हम नूडल्स खाने चल रहे हैं, खुशी बैठी है गाड़ी के एकदम नीचे। सही है यार, गाड़ी के अंदर बैठ के नूडल्स खाने में हमें बहुत अच्छा लगा, अलग एक्सपीरियंस किया मैंने कुछ। फोन में बिजी लोग, एंड ये है बाहर का व्यू गाइस। सो आ गए हैं हम रूट रेस्टोरेंट। यहाँ की लाइटिंग पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, तो भाई लो आप लोग भी देख लो, जितना से वीडियो में लग रहा है उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है रियल में। अब मैं इसके जो हट टाइप का वो बना उसके अंदर बैठ चुकी हूँ। आ गया है पिज़्ज़ा, हमने ऑर्डर किया था कंट्री पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा के साथ में चाय। ये है यहाँ के बाहर का पोर्शन, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। और अब हम निकलने चल रहे हैं बाहर। इसकी जीती जागती जो डेकोरेशन है बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट अच्छी लगती है। जाओ जाओ, यहाँ पे था मेडिकल स्टोर में कुछ सामान लेना, तो बहन ले रही है, मैं खड़ी हूँ वैन यूजन के सामने। अच्छा, मुझे ऐसा नहीं समझ में आया, इसे बोलते वैन यूजन है तो लिखा वैन हुसैन क्यों रहता है, आई डोंट नो व्हाई, बल्कि रियल प्रोनंसिएशन इज वैन यूजन। रास्ते में मुझे दिख गई ये बिल्ली और मैं इसका वीडियो बनाने के लिए स्पेशली रुक गई। ये क्या अजीब अजीब सी हरकत कर रही है, स्टूपिड बिल्ली। ये है हमारी प्यारी सी परछाई मी एंड खुशी, सोते हुए कुत्ते। टुडेज इवनिंग, वाओ, इट्स टाइम ऑफ डिनर। आज का जो डिनर है गाइस वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस दिख रहा है। हेल्थ अपडेट, बहुत तेज कोल्ड हो गया है।
घर पे आके गाइस मैं रिलैक्स होके लेट गई हूँ, खाना वाना खा के। आज का जो डिनर था दैट वाज अमेजिंग, डिलीशियस था। हॉस्टल में वो टेस्ट नहीं मिलता जो घर पे मिल पाता है, एकदम सिंपल वाला खाना। मेरा जो टेस्ट है वो सिंपल वाले खाने में ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। ये है लड़की शादीशुदा, ये शादीशुदा वह है। ये देख रही है मेरा व्लॉग प्यारा सा। हम लोग को रोमांटिक ब्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है गाइस। वेलकम टू बैक बाय।